नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। मुझसे किसी सब्सक्राइबर ने वी नेक कॉलर की डिमांड की थी, जिसमें वी नेक घटा हो और ऊपर कॉलर बना हुआ हो, तो आज मैं उनकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। इसी तरीके को अपनाकर आप छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी बना सकती हैं। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कॉलर बनाते हैं। फंदे उठाने के लिए हमें डबल पॉइंटर निडल की आवश्यकता होगी, यानी गले वाली सिलाई। तो हम गले वाली सिलाई ले लेंगे और फिर जो हमारा ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। सामने की तरफ से हम फंदे उठाएंगे, हम साइड से एकदम किनारे से फंदे नहीं उठाएंगे, वरना इसमें ऐसे होल हो जाएगा। तो हम एक लाइन छोड़ के यहाँ से फंदे उठाएंगे। जिस कलर से हमें अपना बॉर्डर बनाना है वो हम थ्रेड ले लेंगे और फंदे उठाना शुरू करेंगे। फंदा हम पास पास उठाएंगे। फंदे हम पास पास से उठाएंगे और एकदम किनारे से हम फंदे नहीं उठाएंगे। ये जो हमने एक फंदा छोड़ा है, यहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे। तो फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड में फंदे उठा लिए। हमें 45 फंदे उठाने हैं, तो इस साइड अगर हम 45 फंदे उठाएंगे तो हमें दूसरी साइड भी 45 फंदे ही उठाने होंगे। तो अब हम दूसरा निडल लेंगे और फिर हम इस साइड भी फंदा उठाना शुरू करेंगे। हमें एकदम पास से फंदे उठाने हैं। तो इस साइड भी हम 45 फंदे उठा लेंगे। तो फंदे उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, पास पास करके हम इस साइड भी 45 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी मैंने 45 फंदे उठा लिए। अब हम एक तीसरा सिलाई लेंगे और बैक साइड में हम लगभग 30 फंदे उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे उठा लिए हैं दोनों फ्रंट में, दोनों साइड में 45 फंदे और बैक में 30 फंदे। और अब यहाँ से हम अपना बुनाई शुरू करेंगे। चौथी सिलाई लेंगे और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम बुनाई शुरू करेंगे। एक फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा हमें उल्टा बुनना है। इसी तरह बुनते हुए हम सेंटर पे पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 44 फंदों को बुन लिया है और अब ये एक लास्ट फंदा बचा हुआ है। तो क्या करेंगे कि लास्ट फंदा और देखिए दूसरी सिलाई का पहला फंदा, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा
बुनेंगे। और अब ये जो हमारे सेफ्टी पिन पर फंदा है, इसको हम ऐसे निकालेंगे और इन दोनों इस फंदे के ऊपर ऐसे इसे चढ़ा देंगे। अब देखिए, लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा फंदा है, इसलिए अब इस सिलाई का पहला फंदा हमारा उल्टा हो जाएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं, तो चूंकि लास्ट वाला फंदा उल्टा है, तो यहाँ से हम सीधा बुनना शुरू करेंगे। सीधा, उल्टा, सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सभी फंदे बुन लिए और हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सीधे वाले फंदे पे सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे पे उल्टा बुनते हुए हम लास्ट फंदे तक पहुंचेंगे। तो वहां पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सभी फंदे बुन लिए, अब ये हमारा लास्ट फंदा रह गया है। तो अब देखिए, ये चोटी वाला फंदा है, इस फंदे को हमें ऊपर रखना है। तो क्या करेंगे, पहले ये चोटी वाला फंदा, फिर इस साइड से एक फंदा और ये दूसरी साइड से एक फंदा, तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए। हमारा लास्ट फंदा सीधा है, देखिए हमारा लास्ट फंदा सीधा है, लेकिन चोटी हमेशा सीधा ही बुनी जाएगी, इसलिए इसे सीधा बुनते हुए हम तीन का एक कर लेंगे। अब चूंकि इस साइड हमारा सीधा है, तो ये सीधा फंदा आप सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम पूरी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये बैक वाले पन सिलाई तक तो मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लास्ट फंदे के पास पहुँचेंगे। तो यहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। सीधे पे सीधा बुनना है, उल्टे पे उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। अब ये लास्ट फंदा रह गया है, इसको ऐसे थोड़ा सा कस लेंगे ताकि फंदा गिरने ना पाए। उसके बाद हम दूसरी साइड आ जाएंगे। अब देखिए, इस वाले फंदे को हम बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और अब जो ये हमारा चोटी है, पहले हम इसमें सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में और फिर तीसरे फंदे में। यानी पहले चोटी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दाहिनी ओर वाले फंदे में, फिर बाईं ओर वाले फंदे में। इस तरह हम तीन फंदों को ले लेंगे। देखिए, पहले चोटी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दाहिनी ओर फंदे में, फिर बाईं ओर वाले फंदे में। तीनों को एक साथ लेके सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। यानी जो यहाँ पे दोनों ओर से फंदे घट रहे हैं, अब अगला फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा उल्टा बुनते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है और छह राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो छह राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, 6 राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब ये हमारा 7वां राउंड है। तो अभी तक हमने जैसे वी नेक बनाया जाता है वैसे बनाया, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इस पे 45 फंदे उठाए थे, एक साइड में 45 फंदे, दूसरी साइड में 45 फंदे और बैक में 30 फंदे उठाए थे। तो 6 लाइन कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों साइड से 6-6 फंदे घट चुके थे, 45 में से 6 निकल गए तो बचे 39। तो अब हम इस 39 फंदों को 3 हिस्सों में काटेंगे, तो एक हिस्से में 13 फंदे पड़े, तो 13 फंदों को हम इस साइड छोड़ देंगे और 2/3 फंदे यानी 26 फंदों को हम बुनना स्टार्ट करेंगे सीधे पे सीधा और उल्टा बुनते हुए। 2, 3, 4, 5, 6 24, 25 और ये हो गए 26। तो 26 फंदों को हम बुन लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को हम 2 फंदों को बुनेंगे, 1 और 2। अब 26 फंदे के बाद 27वें फंदे को उठाएंगे और 28वें फंदे पे ऐसे उतार देंगे, यानी अब हम फंदा क्लोज कर रहे हैं। तो सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे उतार देंगे, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे उतार देंगे। इस तरह करते हुए हमें 13 फंदों को क्लोज कर देना है। जो फंदा सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए हम क्लोज करेंगे। फंदा ये उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे उतार देंगे। अब नेक्स्ट फंदा, इसे हमें चोटी में घटाना है तो इसे हम बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। और देखिए, पहले चोटी वाले फंदे में हम सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में और फिर इस साइड वाले फंदे में, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए हम 3 का 1 करेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और चोटी वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। तो ये हमारी चोटी बन गई। अब नेक्स्ट हम देखिए, एक फंदा हमारा इसके साथ ही घट गया। अब फिर हमको 13 फंदा घटाना है, तो ये 2, 3, 11, 12 और ये 13वां फंदा घट गया। तो अब हमें बस इतने ही फंदे घटाने हैं, शेष फंदों को हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बुनाई करते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर ली हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। अब हम इस साइड को ही सीधा मानेंगे, क्योंकि ये कॉलर बनेगा तो ये ऐसे पलटेगा। तो अब क्या करेंगे कि पहला फंदा सीधा है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए, कॉलर बनाने के लिए यहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं, अगला फंदा उल्टा है तो ये हमारा क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। तो
इसमें फंदा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस उल्टे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने एक फंदे से दो फंदा बना लिया। अब जो क्रम है यानी कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, यह हमारा अब क्रम शुरू हो गया। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे और सेकेंड लास्ट फंदे पे आके रुकेंगे। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए मैं सेकेंड लास्ट फंदे के पास पहुँच गई हूँ। अब देखिए, इसके पहले उल्टा फंदा है यानी ये फंदा हमारा सीधा होगा। तो कैसे इसमें फंदा बढ़ाएंगे, अब की बार इसमें पहले हम सीधा बुनेंगे और फिर उल्टा। तो इस तरह ये दो फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, एक फंदे से दो फंदा हो गया। लास्ट फंदा इसे सीधा है तो हम सीधा बुन लेंगे। बढ़ाने का काम हम सिर्फ सामने की तरफ से करेंगे और पीछे की तरफ से जो फंदा सीधा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला फंदा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, इसे सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए। तो पहले वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब अगला फंदा सीधा है और यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और सीधे वाले फंदे में एक बार उल्टा बुनेंगे और तब सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से हमारा सीधे उल्टे का क्रम शुरू हो जाएगा। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम सेकेंड लास्ट फंदे के पास पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं सेकेंड लास्ट फंदे के पास पहुँच गई हूँ। तो देखिए, सीधा फंदा के बाद यहाँ उल्टा होना चाहिए, तो इसलिए, और हमें यहाँ फंदा भी बढ़ाना है, इसलिए पहले हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर बिना गिराए इसी फंदे को सीधा भी बुन लेंगे। तो एक फंदे से हमने दो फंदा बना लिया, लास्ट फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर सामने की तरफ आ गई और इस लाइन में मैं लगातार तीसरा फंदा बढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, अगला फंदा उल्टा है तो इसे हम एक बार सीधा बुनेंगे। पहले हम सीधा बुनेंगे और फिर इसी में हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। हमें हमेशा याद ध्यान देना है कि हमारा ये क्रम नहीं खराब होना चाहिए। अगला फंदा सीधा है यानी इसके पहले हमें उल्टा बुनना होगा, इसीलिए इस फंदे को मैंने पहले सीधा बुना फिर उल्टा बुना। अब अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे फिर उल्टा। तो इसी तरह बुनते हुए हम सेकेंड लास्ट फंदे के पास पहुँचेंगे। मैंने हर सीधी लाइन में एक फंदा बढ़ाया है, इसी तरह मैं 10 फंदे बढ़ाऊँगी, यानी हर सीधी लाइन में एक फंदा। तो 10 फंदे बढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉलर कुछ इस तरह बन के तैयार हो रहा है। फंदे घटाने के बाद हमने 9 सीधी लाइन कंप्लीट की है और हर सीधी लाइन में दोनों तरफ फंदे बढ़े हैं, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में। तो टोटल 18 फंदे बढ़ गए हैं, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, यानी 9 फंदे इस साइड बढ़ गए और 9 फंदे इस साइड बढ़ गए। और ये हमारा 10वां सीधा लाइन है और इस लाइन में हम कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे अब क्लोज करते हैं।
फंदा बाइंड ऑफ करने का वही तरीका है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे उतार देंगे। रून अपनी ओर, नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। दूसरी ओर अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे ऐसे उतारते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फंदे बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया है। एक एक फंदों को हम बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे उतारते जाएंगे। मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग सभी फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब सिर्फ दो तीन फंदे शेष रह गए हैं, तो सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे उतार देंगे। हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब लास्ट वाले फंदे को थोड़ा सा ऐसे लंबा करेंगे और धागे को काटेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारा कॉलर कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। तो आशा है आपकी डिमांड पूरी हो गई होगी। इसी तरीके से आप बड़े लोगों का भी कॉलर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।